तो का हाल बा भाई लोग, सब कुछ ठीक ठाक बनू? नीमन बनू? तो भैया नीमने रहे के चाही। लेकिन एजा हम रोलक से अगर ये बात कही कि भैया हमनी के लाइफ में तो सब कुछ ठीक ठाक बा, लेकिन हमनी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार यानी कि खेसारी लाल यादव के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक निके चलत, तो रोवा लोग हमार बात पे विश्वास करें लोग? अगर ना करें लोग तो चलिए रोवा लोग के हम बताओ तनी कि कैसे खेसारी लाल यादव के जीवन में अभी सब कुछ ठीक ठाक निके चलत। हेलो फ्रेंड्स, हम हई नरेंद्र और हम रोवल के एक बार फिर से स्वागत करता नहीं हमारे नया चैनल यानी कि वायरल फिल्म रिव्यू में। तो भाई जैसे बात हम रोवल से कहनी कि भैया हमनी के ट्रेंडिंग स्टार यानी कि खेसारी लाल यादव के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक नेके चलत, तो भैया काहे नेके ठीक ठाक चलत भाई? तो वो चूरी हरियर का लियाई भूल गेलन भाई, तभी तो उनकर मेहरारू उनकरा के बोला था नहीं कि सब कुछ तो लेके आ गनी, बिंदिया लेके आ गनी, टिकली लेके आ गनी, लेकिन चूरी हरियर का काहे ना ले आईनी, काहे ना ले आईनी। तो भाई खेसारी लाल यादव की नया सॉन्ग भाई लॉन्च हो चुकल बा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो भैया ये गाना में ये शिकायत करत रही खेसारी लाल यादव की बीवी कि सब कुछ तो ले आईला पिया हो, लेकिन काहे ना ले आईला चूरी हरियर की। तो भैया गाना तो बा बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार। और भैया ये गाना वाके सुनने के बाद हम लोग अलग से एक बात जरूर कह सकते हैं, भैया ये गाना की जब रो लोग सुने लोग तो एक और धुन रो वालों को ला के भैया कौनो दूसर गाना से मिला था भाई, और वो गाना भी खेसारी लाल यादव के ही गाना रहा। हमारा के तो लाग रहा भैया एजा कुछ नया धुन नया बोल के साथ हमें सुनने के मिली, लेकिन थोड़ा सा फील आ गई वही गाना के। तो हम बोले कि भाई पुरान का ही ट्रैक पर ये नया का गाना चेप देलन खेसारी लाल यादव। तो दोस्तों गाना तो ठीक ठाक बाही और ये गाना के बोल के लिखले बा, तो भाई लिखले बाड़न तरुण यादव और एकर म्यूजिक के तैयार कैले बाड़न आर्या शर्मा, और ये गाना के खेसारी लाल यादव के साथ मिलकर गैले बड़ी कविता यादव। और ये गाना में जोन वीडियो रोल अगर देखे मिलता है तो ये गाना में खेसारी लाल यादव के साथ में परफॉर्मेंस करता रही कोमल सिंह। भैया गाना तो बहुत ही जबरदस्त बा, गाना की शुरुआत कुछ ऐसे होता कि भैया खेसारी लाल यादव जिन बाड़न वो गैल बाड़न भोले बाबा के जल चढ़ाए खातिर, और जल चढ़ाए के बाद में वो तनी सब मार्केटिंग कैले वाला, मार्केटिंग करके वो वापिस आवत रहन और अपन बीवी के बैग देते रहन। तो भैया बीवी बैग खोल के देखा तारी तो वो ये बात देखा तारी और ये बात बोलता रही, तो वो ये बात बोलता रही, टिकुली ले आई ला ए पिया हो टिकवा ले आई ला, टिकुली ले आई ला ए पिया हो टिकवा ले आई ला, काहे ना ले आई ला पिया हो चूरी हरियर की। यानी कि भैया देखिए सावन का महीना चला था और हमने की बात सब जाने नहीं कि भैया जब सावन का महीना चले ला था जितना भी औरत लोग बा लोग उ लोग हरियर चूड़ी पहनल पसंद करे ला लोग। तो भाई इहे शिकायत करता रही ई गाना में खेसारी लाल यादव से उनकर मेहरारू। अब जब वो शिकायत करता रही तो भैया खेसारी लाल यादव भी जवाब देवे करी, तो भैया वो ये बात करता कि भैया देखो ऐसा बात बा कि हम तो गए रहनी बाबा के जल चढ़ाए खातिर, जल चढ़ाए के बाद में हम ले सामान ले लेनी जो तुर बोले रहू, लेकिन जल चढ़ाए के चक्कर में हमारे दिमाग से उतर गई कि भैया हरियर की चूड़ियों ले आई के रहा। तो भाई गाना तो बहुत ही शानदार बा और नो डाउट भाई जोन गाना खेसारी लाल यादव गा दे वो गाना शानदार ना हो गया ऐसा नहीं कह सकत। तो भैया गाना ट्रेंड तो करता यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उतना तेजी से ना जितना कि भैया खेसारी लाल यादव के सब गाना पहले ट्रेंड करत रहा यार। थोड़ा देर पहले तक देख लें कि गाना के लगभग लगभग 5 लाख व्यू मिल रहा, अभी आंकड़ा कितना रह के ये हमारा के ध्यान में नहीं गया, लेकिन काहे के पावर बार बार कट जाता ना कल से, तो पता ही बा कि बिहार में मौसम बहुत ही अच्छा भइल बा और किसान लोग बाद लोग जन खुश हो गए बा लोग आकाश के देख के, चलो भाई बादल आ गई बा बरसात होगी तो खेती अच्छा हो जाए, तो यही वजह से पावर तनी कट हो जाता तो हम आंकड़ा ना देख पाई नहीं है। लेकिन हमें लगा था कि 5 लाख से ज्यादा व्यू अभी तक मिल गई होगी ये गाना के। तो रोवा लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमारे बताए लोग कि गनवा रोवा लोग के कसन लागल। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल और भी कई सारा खबर के जाने खातिर हमारे चैनल यानी कि वायरल फिल्म रिव्यू के लाइक और सब्सक्राइब करल ना भूलें लोग, और नयका पीढ़ी के जाने खातिर भाई बेल आइकन के जरूर दबाए लोग।